यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि जब रूस ने 100 दिन पहले हमला किया था तो किसी को भी उनके देश के बचने की उम्मीद नहीं की थी और दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें देश छोड़कर चले जाने की सलाह दी थी। इससे पहले अप्रैल में जेलेंस्की ने युद्ध के 50वें दिन देर रात वीडियो संबोधन में कहा था, लेकिन वे हमें नहीं जानते। वे नहीं जानते थे कि यूक्रेन के लोग कितने बहादुर हैं, हम स्वतंत्रता को कितना महत्व देते हैं। हो सकता है वो अपने बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि मनोरंजन की दुनिया से राष्ट्रपति पद पर पहुंचा 44 वर्षीय व्यक्ति रूस की विशाल सेना के आक्रमण का जवाब कैसे देगा। जेलेंस्की की प्रतिक्रिया जबरदस्त रही। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से जबरदस्त प्रतिरोध करने में अपने देश का नेतृत्व किया है। हर रात वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो संबोधन के साथ यूक्रेन के लोगों में लड़ाई को लेकर जोश भरते हैं। अब तक 100 दिन हो चुके हैं और हर रात संबोधन के साथ वो लोगों को याद दिलाते हैं वो मैदान छोड़कर भागे नहीं हैं। युद्ध की शुरुआत से उन्होंने सेना के हरे रंग से मेल खाते रंग के कपड़े पहने। वो अक्सर एक साधारण सी टी शर्ट में दिखाई देते हैं, एक अथक कुशल संचारक। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन की संसद, अमेरिकी कांग्रेस और दुनिया भर के लगभग 2 दर्जन अन्य संसदों के साथ ही कान फिल्म महोत्सव और अमेरिका के ग्रैमी पुरस्कारों को वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित किया। शायद ही कभी बिना टाई के किसी व्यक्ति ने इतने अति विशिष्ट लोगों को संबोधित किया हो। उन्होंने पत्रकारों को इंटरव्यू भी दिए हैं। उन्होंने क्यूब मेट्रो की सुरक्षा में एक संवाददाता सम्मेलन भी किया, लेकिन अपने नागरिकों को संदेश देने, प्रेरित करने के लिए उनका रात्रिकालीन वीडियो संबोधन ही उनका पसंदीदा माध्यम रहा है। वो अक्सर यूक्रेनी लोगों को एक बहादुर देश के स्वतंत्र लोगों पर या हमारे महान देश के अजेय लोगों के रूप में उत्साहजनक अभिवादन के साथ संबोधन शुरू करते हैं, जो हमेशा यूक्रेन की जय के साथ समाप्त होता है। युद्ध के 100 दिन होने पर उन्होंने कहा कि 100 दिनों से लड़ रहे हैं, शांति जीत यूक्रेन की शान। जून 2019 में जेलेंस्की के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जब पुतिन से पूछा गया कि उन्होंने यूक्रेन के नए नेता को बधाई क्यों नहीं दी, इस पर पुतिन ने अभिनेता से राष्ट्रपति बने जेलेंस्की को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पुतिन ने कहा, किसी का किरदार निभाना अलग बात है और हकीकत में उस किरदार में होना दूसरी बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिम्मेदारी लेने के लिए साहस और चरित्र होना चाहिए। उन्होंने अब तक अपना चरित्र नहीं दिखाया है, लेकिन जेलेंस्की ने इन 100 दिनों के अंदर अपना चरित्र यूक्रेन के लोगों को और पुतिन के साथ साथ दुनिया को दिखा दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर आक्रमण कर रही है और कई शहर तबाह कर चुकी है और हजारों की संख्या में यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं, ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की कब तक रूस के भीषण हमले का सामना करते हैं या फिर युद्ध समाप्त करने का कोई विकल्प निकालते हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।